हेलो ट्वेल्थ क्लास, दिस इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर वन, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द एग्रीकल्चरल सेक्टर, दैट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस। नाउ टू डिस्कस टू बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, production and productivity. Production is the total output which you get, total produce, and productivity is wo output per hectare of land mein kitna hua, per hectare of land mein kitna kg production hua, kitne lakh ton production hua. Clear? Productivity and production dono low the. See the data he has given you in 1947. If you talk about the basic food grains, wheat and rice, this was the situation. 660 kg per hectare. And see, after these many years, see the data, see the change. Similarly, agar hum production ki baat kare in lakh tons, to it was only 64 lakh ton in 1947, at the time when we got independence. And see the change in both the food grains, wheat as well as rice. Then if we talk about the other feature agriculture का, तो it was a high degree of uncertainty. Agriculture जो थी वो nature पे dependent थी, rainfall पे dependent थी, output कितना होगा, it was all dependent on nature. Good rainfall, good production. Poor rainfall, poor production. British rule was not taking care of the irrigation facilities, कि tubewell हैं, wells हैं, कुछ ऐसी facilities किसान को देनी है, so that the production increases. No. Then dominance on subsistence farming. Subsistence farming क्या होती है, production तो करो, farming तो करो, पर वो जो production है उसको अपनी basic needs, अपनी family की basic needs के लिए ही, बस उतना ही। Surplus यहाँ तो रहता नहीं था, अगर रहता था तो वो market में बहुत कम जाता था sale के लिए। Commercial outlook का तो निशान ही नहीं था, production ही कम था पहली बात। Then there was a gap, the gulf between the owner and the tiller. दो जो खेती कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके पास तो प्रोड्यूस का बहुत कम शेयर रहता था। उसका जो ओनर था वो आउटपुट को शेयर कर लेता था और खुद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बियर नहीं करता था, वो सारी उसी को जो जो मेहनत कर रहा है खेत में, फार्म में। सो ये जो गैप था कि प्रोडक्शन का शेयर उनके पास ज़्यादा और उनके पास कम, उसकी वजह से कंडीशन थी ये वाली एग्रीकल्चर की हमारे इंडिया में उस टाइम। छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाता था पर प्रोडक्शन कम रहता था। जो आउटपुट है, यील्डिंग जो है वो कम होता था, उसका प्रोडक्शन जो है वो कम होता था, कॉस्ट ज़्यादा रहता था छोटे छोटे लैंड्स होने की वजह से। रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश रूल के अंडर, जमींदारी काइंड ऑफ सिस्टम, उसने तो पूरे सिस्टम को तबाह खराब कर रखा था। जो प्रोड्यूस है, टोटल प्रोड्यूस, उसका मेजर पार्ट ब्रिटिशर्स को दे दिया एज रेवेन्यू, बाकी का जमींदार ले गए फॉर देयर लग्जरीज। दे यूज टू लिव ए लग्जूरियस लाइफ एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी द फार्मर्स जो थे वो तो हैंड टू माउथ भी सिचुएशन थी, वेरी लिटिल विद देम टू फीड देयर फैमिली। देन जो एग्रीकल्चर था उसमें मतलब देवर फोर्स्ड, कमर्शलाइजेशन जो थी एग्रीकल्चर की वो फोर्सिबली करवाई जाती थी। थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंडिगो प्लांट्स फॉर विच गांधी जी हैज हैड टू टेक द स्टैंड। अपनी वहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए इंडिगो प्लांटेशन क्यों कराते थे, कि ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए उनको डाइंग और ब्लीचिंग के लिए इंडिगो प्लांट्स चाहिए होते थे। और रिजल्ट क्या निकला, किसान गरीबी में आ गया, किसान कर्जे में आ गया, और जो कंडीशन थी उनके साथ साथ पूरी एग्रीकल्चर की भी वर्स्ट। सो एग्रीकल्चर बैकवर्ड भी थी और एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट भी थी। ये पॉइंट्स बैकवर्डनेस में आएंगे, ये पॉइंट्स स्टैग्नेशन में आएंगे। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम एंड आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर ब्रिटिश टाइम। थैंक यू।